नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि। दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और कहाँ पर संपन्न होता है, तो उसकी संरचना के बारे में भी हम लोगों ने बात की है। दोस्तों एक बार पुनः उसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करता है और साथ ही बाय प्रोडक्ट के रूप में पानी भी बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगर आप पूरी ओवरऑल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से तीन बातें होती है। तीन बातें कौन कौन सी अगर आप देखें तो तीन बातों में सबसे पहली बात यह है कि पौधों में उपस्थित वर्णक तंत्रों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। पहली बात क्या है कि पौधों में उपस्थित वर्णक तंत्रों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। तीन बातें से ध्यान आया कि इन तीन बातों में से पहली दो बातें के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि अंतिम बात के लिए, तीसरी बात के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इस आधार पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को मुख्य रूप से दो स्टेप में बांटा जा सकता है। कितने स्टेप में बांटा जा सकता है? दो स्टेप में बांटा जा सकता है भाई। पहले स्टेप जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है और दूसरी स्टेप जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न नहीं होती है अर्थात अप्रकाशीय अभिक्रिया। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है प्रकाश अभिक्रिया और दूसरा है अंधकार अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया कौन सी है? प्रकाश अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया है अंधकार अभिक्रिया। तो चलिए हम प्रत्येक स्टेप को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश अभिक्रिया क्या है, कहां संपन्न होती है और इसमें कौन कौन से चरण होते हैं, इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसको हम दो स्टेप में बांट सकते हैं। फर्स्ट है प्रकाश अभिक्रिया और दूसरी है अंधकार अभिक्रिया। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि प्रकाश अभिक्रिया क्या है और अंधकार अभिक्रिया क्या है। जैसा कि हमको मालूम है कि प्रकाश अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है प्रकाश अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जो है उसकी ग्रेना में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया की खोज चुकी रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी और उनके द्वारा इसका विस्तृत वर्णन किया गया था। इस कारण से इस अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई? हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। प्रकाश अभिक्रिया में होता क्या है? प्रकाश अभिक्रिया में यह होता है कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश ऊर्जा है इस प्रकाश ऊर्जा को हरित लवक के द्वारा ग्रहण किया जाता है। हरित लवक में उपस्थित वर्णक तंत्रों के द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करने के बाद यहां पर NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन किया जाता है। NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन किया जाता है। साथ ही इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है और ऑक्सीजन उत्पन्न होने के साथ साथ यहां पर प्रोटॉन भी उत्पन्न होता है। यहां पर क्या उत्पन्न हो रहा है भाई? यहां पर आपको केवल तीन बातों को ध्यान में रखना है। NADPH2 की उत्पत्ति, NADPH2 एसिमेट्रिक शक्ति एवं ATP का उत्पादन, दूसरा
जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन, यहां पर ये जो जल रहेगा इस जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन होता है, जिससे कि ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है और साथ ही यहां पर उत्पन्न होता है प्रोटॉन भी उत्पन्न होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं ओवरऑल प्रकाश अभिक्रिया में होता क्या है। देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें प्रकाश अभिक्रिया की तो इसमें मुख्य रूप से 5 स्टेप होती है, जिनमें से पहली स्टेप यह है कि क्लोरोफिल अणु द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। सबसे पहली स्टेप क्या है कि क्लोरोफिल अणु द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। दूसरी स्टेप क्या है कि सहायक वर्णकों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। तीसरी बात क्या है कि प्रकाश के फोटॉन के द्वारा क्लोरोफिल ए का सक्रियकरण किया जाता है। जब क्लोरोफिल ए का सक्रियकरण होता है, चौथी स्टेप यह है कि इसके पश्चात जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन होता है और ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। और पांचवी स्टेप यह है कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन एवं एसिमिलेटरी शक्ति का उत्पादन होता है। भाई इलेक्ट्रॉन अभिगमन और एसिमिलेटरी शक्ति के रूप में कौन है? NADPH+H+ या NADPH2 एवं ATP का उत्पादन होता है। तो चलिए इन्हीं स्टेप्स को हम इक्वेशन के थ्रू समझने की कोशिश करें कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। तो दोस्तों आपने देखा कि जो प्रकाश अभिक्रिया है, प्रकाश अभिक्रिया में मुख्य रूप से 5 पद होते हैं। अब उन्हीं 5 पदों को हम इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं कि प्रकाश अभिक्रिया में होता क्या है। भाई आपने सबसे पहली चीज पढ़ा था कि क्लोरोफिल अणु के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। भाई क्लोरोफिल अणु कहां उपस्थित होता है? क्लोरोफिल अणु उपस्थित होता है क्वांटासोम में। और क्वांटासोम कहां होता है? क्वांटासोम उपस्थित होता है थैलेकाइड की सतह पर, ठीक है। और थैलेकाइड कहां होता है? थैलेकाइड होता है ग्रेना, ठीक है। और ग्रेना कहां होती है? भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा में। तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप देखिए, क्लोरोफिल ए के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल ए का अणु एक्साइटेड अवस्था में आ जाता, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। आप देख रहे हैं इक्वेशन में क्लोरोफिल ए का अणु जो है ग्राउंड स्टेज में है, रेस्टिंग पीरियड में है, लेकिन जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है वह कैसी अवस्था में आ जाता है? एक्साइटेड स्टेज में आ जाता है। जब क्लोरोफिल का अणु एक्साइटेड स्टेज में आ जाता है तब ऐसी अवस्था में यहां अपने में से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। अपने में से क्या मुक्त कर दिया भाई? इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया। और जब ये इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है तब इस क्लोरोफिल ए के अणु के द्वारा जल के अणु का अपघटन किया जाता है, प्रकाश रासायनिक अपघटन किया जाता है। तो देख रहे हैं आप यहां पर ये जो जल का अणु है, ये जल का अणु क्या काम किया भाई? ये अपने आयनों में विभाजित हो गया H+ तथा OH-। तीसरी स्टेप में आप देख सकते हैं कि OH आयनों के द्वारा जल के अणु का निर्माण किया जाता है तथा ऑक्सीजन उत्पन्न की जाती है। आप यहां पर देख रहे हैं कि क्लोरोफिल अणु के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन मुक्त किया गया है, उस मुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोक्सिल आयन ग्रहण कर लेता है और 4OH अणु का निर्माण करता है। अब ये जो 4OH है जल के अणु का निर्माण करता है, साथ ही ऑक्सीजन भी मुक्त करता है। तो हुआ क्या भाई, आपने देखा तीसरी स्टेप में जो 4OH आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, वो 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है और ऐसी अवस्था में किसका निर्माण करता है? 4OH का निर्माण करता है। और यही 4OH जो है किसका निर्माण कर रहा है? पानी के दो अणुओं का और ऑक्सीजन अणु का निर्माण करता है। अब चौथे स्टेप में देखें कि जो हाइड्रोजन आयन होता है, जो हाइड्रोजन आयन के द्वारा जो है NADPH2 अणु का निर्माण किया जाता है, NADPH2 अणु का निर्माण किया जाता है, अर्थात NADP का अपचयन होता है और अपचयन होने के बाद जाता है, अर्थात NADPH+ को अपचयित किया जाता है। अब क्या देख रहे हैं भाई, यहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो NADP है वो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और किसका निर्माण कर रहा है? NADPH+H+ का निर्माण करता है। इसे हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, NADPH
टू के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस मुक्त हुई ऊर्जा को एडीपी के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और ग्रहण करके एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। अर्थात प्रकाश अभिक्रिया में जहां पर मुख्य रूप से किस चीज का निर्माण हुआ भाई, आप देखेंगे ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन का निर्माण होने के साथ साथ जहां पर NADPH2 का निर्माण हुआ और साथ ही यहां पर इस एटीपी का निर्माण हुआ। अगर हम ओवरऑल प्रक्रिया को देखें तो आप इस समीकरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि 2 NADP + H2O, 2 ADP + 2 inorganic phosphate जो लाइट की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की सहायता से 2 NADP + 2H+ तथा 2 ATP अणुओं का निर्माण करते हैं। साथ ही इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन भी मुक्त हो रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश अभिक्रिया संपन्न होती है। इसको प्रकाश अभिक्रिया, और प्रकाश अभिक्रिया में आपने क्या देखा कि प्रकाश अभिक्रिया में किन चीजों का निर्माण हुआ? प्रकाश अभिक्रिया में निर्माण हुआ NADPH2 का निर्माण हुआ, साथ ही ATP का निर्माण हुआ, और साथ ही किसका निर्माण हुआ भाई? ऑक्सीजन भी मुक्त हुई, ठीक है। ऑक्सीजन भी यहां पर मुक्त हुई भाई। प्रकाश अभिक्रिया में बनी हुई NADPH2 तथा ATP का उपयोग अब कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में किया जाएगा, ठीक है भाई। प्रकाश अभिक्रिया में बने हुए NADPH2 व ATP का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में किया जाएगा, और यही अभिक्रिया, इस ओवरऑल अभिक्रिया को ही अंधकार अभिक्रिया कहा जाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इस कारण से इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अंधकार अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात यहां पर एक बात क्या ध्यान रखनी भाई, लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में संपन्न होती है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में संपन्न होती है। क्योंकि इस अभिक्रिया की खोज ब्लैकमैन के द्वारा की गई थी, इस कारण से इस अभिक्रिया को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है, ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है इस अभिक्रिया को। अभिक्रिया में होता यह है कि प्रकाश अभिक्रिया में बनी हुई NADPH2 और ATP का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए मुख्य रूप से 3 स्टेप पाई जाती है। सबसे पहली कौन कौन सी 3 स्टेप है भाई? C3 साइकिल, C4 साइकिल और CAM साइकिल। केल्विन चक्र सबसे पहला कौन सा है? केल्विन चक्र। दूसरा है हेच एवं स्लेक चक्र, और तीसरा है क्रेशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा फोटोसिंथेसिस क्या है और फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।